अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं सेवन ब्रदर्स आया हूँ अपनी के 70 की अपडेट्स चेक करने। तो बस कुछ काम हुआ है और फर्दर आपको दिखाता हूँ गाड़ी क्या अपडेट्स हैं डिफरेंट गाड़ियों के हवाले से, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो चलें व्लॉग आगे स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये सिटी आई हुई है, टोटल हुई हुई है, उसके अलावा ये अपनी के 70 हमारी ढकी हुई है। ज़ाहिर है मैं कवर इसलिए रखा हुआ है कि चलें गंदी होती है तो छुपी रहे बेहतर है, फिर ज़्यादा ही डस्ट हो जाती है। हुड इसका उतारा हुआ है हमने, उसकी कुछ सेटिंग होनी है लॉक्स की एडजस्टमेंट, उसकी वजह से हुड उतारा हुआ है। और अभी चलते हैं डेंटिंग वाली साइड पे, कुछ नई गाड़ियाँ आई हैं आपसे शेयर करता हूँ। एक नेशनल कार आई हुई है बॉस हमारी, रिम टायर अच्छे लग रहे हैं इस पर बड़े, देखिए इसकी लाइटों और बम्पर की कुछ एडजस्टमेंट थी। क्योंकि एक करोला आई हुई है यहाँ पे, इंडस आगे से हिट हुई थी, ये हमारे फैसल भाई आए हैं तो ये गाड़ी नीचे से हिट हुई है, तो इसका अभी काम होगा। फर्दर जो अपडेट आएंगी फिर हम दिखाएंगे। नहीं नहीं इसका मैं आपको, आप बताएं आपने बूफर का क्या किया? सर बूफर को छोड़ें, मैंने आप पहले बूफर का बताएं। पे लगी है। अच्छा इसके हो गए हैं, इसका जो लिप्स होते हैं, लिप्स, हाँ जी, अच्छा वो छोड़े हो गए, जब आपको इधर लिप्स में कुछ चीज लगे ना, हाँ हाँ, वो फूल नहीं फूल जाते हैं। अच्छा इसका भी ये इंतजाम है, ये हमारे अमर भाई हैं, ये इसके फूलों का इलाज करेंगे, सर्जरी करेंगे। सही है, उसके बाद फिर इसका कुछ करेंगे, देखेंगे इसकी आंखें और जो है ना क्या कहते हैं मथा, वो सेट करेंगे, वो सेट करेंगे। सही हो गया जी। दूसरी तरफ मज़दा पे काम चालू है भाई, क्या हो रहा है भाई बताएं ना। अच्छा ये वाली साइड, वो वाली साइड फाइनल होगी, चलें ये अच्छा, वो काफ़ी अच्छा हो गया दरवाजे का गैप जो था। तो ये इब्रार की मज़दा उन्होंने दिखाई होगी अपने चैनल पे, तो ये देख लें बेसिकली ये लाइंस हैं बेसिकली जो इस पर अच्छा काम हुआ है। बाकी ये वाली साइड हो चुकी है, दो दरवाजे एक फिंडर, अब उस साइड का फाइनल हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसका बैक साइड पे काम शुरू होगा। फिर उसके बाद जाहिर है बोनट और छत वो सारा काम भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ की अपडेट यहाँ तक है। इसके बाद जी ये करोला आ गई हमारी 2006 वाली GLI, इसका आप देख सकते हैं पेंट रिमूव हो गया डोर्स का, लास्ट टाइम आपको दिखाया था मैंने, ये फिंडर का पेंट रिमूव हुआ था, अब डोर्स का भी हो चुका है। पिलर अगले थोड़े साफ़ किए हैं, पिलर असल में अपने रहेंगे, हमने तो खाली बीच से स्किन उसकी रिमूव करके सनरूफ इंस्टॉल कर लेना है। तो इस साइड के भी डोर्स देख लें, इनका भी पेंट उतर चुका है और पिछला जो बैक फिंडर है ये भी साफ़ हो गया है। इस करोला के अलावा जी एक ये सुजुकी बलिनो आई हुई थी, काफ़ी टाइम से ये पार्किंग में ही थी क्योंकि ऑनर शायद अवेलेबल नहीं थे, तो अब इसका भी काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह इसका जो काम होता रहेगा मैं आपसे शेयर करूंगा फाइनल रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ब्लैक ओरिजिनल कलर है, ब्लैक ही होना है पेंट इसको। ये है इसके अलावा एक ये करोला आई हुई है, इसके बम्पर्स का है और फुटबोर्ड का है, इसमें फर्दर और कोई ऐसा काम नहीं है। दूसरी साइड पे वो जो निसान को कवर कर दिया है, इसकी कटिंग पॉलिश हुई है उस वजह से, बाकी इसके ऑनर पेशावर से हैं आई गेस, वो अब सामान इसका भेजेंगे तो फिटिंग होगी इस गाड़ी की। दूसरी तरफ जी ये टोयोटा करोना, लास्ट टाइम आपको दिखाया था एक साइड इसकी हुई थी कंप्लीट, दूसरी साइड पे काम चल रहा था, हुड भी हो गया है। तो ये आकाश भाई लगे हुए काम लाइनें सही कर रहे हैं इसकी फिटिंग से। तो ये इसकी अपडेट है, RKR उसी पोजीशन पे है तकरीबन, साथ साथ काम चल रहे हैं पर थोड़ा बहुत ज़ाहिर है गैप आता है। और भी गाड़ियाँ आती हैं, ये इसका हुड पड़ा हुआ है इस पर भी काम हो गया है। और वो सिविक के डोर्स पड़े हुए हैं, ये जो पीछे आपको मैंने वाइट वाली करोला दिखाई उसका बम्पर है, पेंट के लिए रेडी है।
फॉक्सी की कोई अभी तक अपडेट नहीं है, इसका भी होता रहेगा तो इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा, आपसे शेयर करूँगा। चलते हैं चांद भाई के पास, पेंट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं चांद भाई? ये मैं पेंट बना रहा हूँ सर, गाड़ियों को पेंट डालने लगा। अच्छा, ये विट्स का? हाँ, मैचिंग बाद में चेक करेंगे, अभी मैं तो मैचिंग कर ली है सर, मैचिंग कर ली। अभी तो पेंट मिक्स कर रहा। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, पेंट डालने लगे। सही हो गया। फॉक्सी का अभी तक नहीं हुआ? फॉक्सी यकम को स्टार्ट करनी थी। अच्छा, मंडे को स्टार्ट करो। सही सही, इंशाल्लाह। वो जरा लंबा प्रोजेक्ट है, आपको तसल्ली से काम। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल ठीक हो, यकम को तीर वाले दिन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सही। तो यहाँ पे अपने पेंट का सारा सामान चीज़ें रखते हैं, और दूसरी साइड मैकेनिकल साइड पर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। ये एक सुजुकी बलिनो खड़ी हुई है, तो खैर वर्कशॉप की अपनी है, हैरी भाई की गाड़ी है। हैरी भाई की तरफ चलते हैं, पूछते हैं उनसे क्या कर रहे हैं। ये होंडा रिबर्थ की सीट्स हैं, हाइब्रिड वाला जो वेरिएंट है, ये फॉर सेल है, अगर किसी भाई को चाहिए हो। काफ़ी अच्छी कंडीशन की है, कोई टूटी भी नहीं है। ये वो जो ब्लू ईगल आए सिविक दिखाई थी, उसमें से उनके ऑनर ने निकाल ली हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन की, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। और जी, एक आपको ये ब्लैक वाली करोला दिखाई थी, इसका बम्पर भी फिट हो गया है, फ्रंट का भी फिट हो गया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके जो साइड फुटबोर्ड पेंट हुए थे, ये वो वाली गाड़ी है, 2D। ये देखें, फ्रंट की लाइट्स भी हो गई हैं, बस आगे काम चल रहा है। तो ये अपडेट्स हैं इधर की। इसके अलावा मार्क 2 आपको दिखा देते हैं, वो फाइनलाइज हो गई है। ये रही टोयोटा मार्क 2, ये फाइनल हो गई है, माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। ये इसका ट्रंक है, तो बस ये फाइनल पॉलिश हो चुकी है। गाड़ी की लुक आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरी कंडीशन की हो गई है। फाइनल जो टचअप्स होने थे, किट भी लग गई है, आपको दिखाया था कि किट इंस्टॉल होनी थी गाड़ी के अंदर, तो वो हो चुकी है। किट इंस्टॉल हो चुकी है, तो ये कि गाड़ी अब अपनी लुक में आ गई प्रॉपर, दिखे माशाल्लाह साफ सुथरी। तो जी, ये थी आज की अपडेट्स यहाँ पे K70 के हवाले से। फिल वक्त कुछ टाइम लगेगा, बिजी हैं, लॉक का हुड के लॉक का कुछ इशू है, वो करना है। लॉक मुझे परचेज़ करना पड़ेगा, ज़ाहिर है वो पुराना वाला ज़रा मसला कर रहा था, तो इनका लॉक ओरिजिनल हो तो बेहतर होता है, वरना दूसरी गाड़ी किसी का लगा क्लिफाई करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, ताकि उसकी सेटिंग सही रहे और ओपनिंग और क्लोजिंग बेहतर हो। बस यही है, बाकी तो आपको जैसे बताया था, लाइट के वो ट्रिम्स लगने हैं, डिफरेंशियल का ऑयल का है, तो इंशाल्लाह वो होगा तो फिर देखते हैं। बाकी एक दफ़ा शायद गाड़ी पॉलिश करवा लें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत महसूस हुई तब करवाऊंगा और आप लोग को दिखा दूंगा साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, आपको 88 की भी अपडेट दूंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।